दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। खाते में 300 करोड़ से ज्यादा, फिर ऑटो चलाता है ये शख्स। डॉट किसी आदमी के खाते में अगर 300 करोड़ रुपए हों या फिर उसके खाते से 300 करोड़ रुपए की लेन देन हो तो निश्चित रूप से वो शख्स आम नहीं खास होगा। इतना तो तय है को वो व्यक्ति कम से कम ऑटो चालक तो नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान में एक ऑटो रिक्शा चालक के खाते से 300 करोड़ रुपए के लेन देन का मामले का सामने आया है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने ऑटो रिक्शा चालक को समन जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। ऑटो चालक का नाम मोहम्मद रशीद है और वह कराची का रहने वाला है। उसे अपने खाते से भारी भरकम लेन देन का पता उस समय चला जब FIA ने उसे समन भेजकर सफाई मांगी। रशीद ने कहा कि मुझे संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय से फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए आने को कहा। मैं डर गया था कि क्योंकि मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ है। जब मैं उनके कार्यालय गया तो उन्होंने मुझे बैंक खाते का रिकॉर्ड दिखा। रशीद का कहना है कि यह खाता 2005 में खुलवाया था जब मैं एक निजी कंपनी में ड्राइवर था। उसने कहा कि अपना काम शुरू करने के कुछ ही महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। 300 करोड़ मेरे लिए एक सपना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 1 लाख रुपये नहीं देखे हैं। उसका कहना है कि उसने FIA के अधिकारियों को अपनी वित्तीय हालत से अवगत करा दिया और वे इसे मानने पर राजी हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कराची के एक फल बेचने वाले के खाते में 200 करोड़ रुपये से अधिक पाए गए थे। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी धन शोधन के इन मामलों की जांच कर रही है।